भाई भाषणों के शेर हैं और नतीजों में ढेर हैं। अच्छे दिन जी, अच्छे दिन नहीं आ रहे। अच्छे दिनों के इंतजार करते करते किसानों के आंसू आ गए। अच्छे दिन पता नहीं कब आएंगे। अब जाने कहाँ गए अच्छे दिन। अच्छे दिन वाला जो वाक्य हमारे गले में लटका है, इसकी सच्चाई मैं आपको बताऊँ। ये मुझे मोदी जी ने बताई हुई कहानी है। ये पर हमारे पर ऐसी चिपक गई कि जो चिल्लाता वो पूछता आपको अच्छे दिन कब आएंगे। ये हमारे गले में लटकी हुई हड्डी है। महिला सुरक्षा, सुबह टीवी चालू करो और पहली खबर आती है कि आज दिल्ली में एक बेटी पे बलात्कार हुआ। बहुत हुआ नारी परवाह, कब जागेगी भाजपा सरकार। 3,37,922 ये आंकड़ा है एक बरस में महिलाओं के साथ हुए अपराधों। ये गुस्सा है दिल्ली के नंगलोई में 2.5 साल की बच्ची से रेप के खिलाफ। दो बच्चियों के साथ गैंग रेप होता है, पूरा देश दहल जाता है। हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं और मैं तो देख रहा हूं पाकिस्तान हिंदुस्तान के जवानों के सर काट रहा है। ऐसा दुर्दैव कभी देखा नहीं और इसके लिए मैं पूरी तरह केंद्र सरकार को जिम्मेवार मानता हूं। अक्टूबर 2016 जवान मनदीप सिंह का शव शक्त विशक्त कर दिया गया। नवंबर 2016 में 3 जवानों का शव शक्त विशक्त किया गया और 5 महीने बाद कृष्णा सेक्टर में 2 जवानों के शव के साथ खिलवाड़ किया गया। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। आंख दिखा करके भी दुनिया के संबंध नहीं बनते हैं, इसलिए हमारा रास्ता है आंख मिला करके दुनिया में भारत का स्थान। जिस आधार कार्ड के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के लोग नाच रहे थे और न जाने देश के लोगों को क्या कोई बड़ी जड़ी बूटी दे दी है कि जो उनके हर संकटों से मुक्ति दिलाएगी, उस आधार कार्ड पर के वो खेल खेल रहे थे। मैंने आधार कार्ड के संबंध में गंभीर सवाल उठाए थे। जिसे पहले बताते थे निराधार, अब उसी को बताते हैं जीवन का आधार। आज की तारीख में एक साधारण सा आधार कार्ड लोगों के सशक्तिकरण का प्रतीक बना है। आदर्श ग्राम योजना, हर सांसद 16 तक अपने इलाके में एक गांव को आदर्श गांव बनाए। अब खुद ही जानिए मोदी जी के गोद लिए जयापुर गांव की सच्चाई। सड़कें टूटी हुई है, जो होना चाहिए मेन सड़क पहले दुरुस्त होना चाहिए, वो तो हुआ नहीं। बिजली आती है तो 8 घंटा से 6 घंटा रहती है। रोजगार कहे थे मोदी जी मिलेगा सबको, बच्चे पढ़ पढ़ के बैठे हैं, मिला नहीं रोजगार। GST भारतीय जनता पार्टी का और गुजरात का रवैया प्रारंभ से ही बहुत साफ है, GST कभी सफल नहीं हो सकता। सत्ता से पहले GST हानि, सत्ता पाकर GST तरक्की की निशानी। तिगड़म की जय हो। एज फार एज BJP इज कंसर्न, हम लोग GST के पक्ष में है। रोजगार की समस्या, ज्यादातर नवयुवकों ने इस बारे में अपनी वेदना प्रकट की हमसे कि खाली हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वारी भाजपा सरकार, युवाओं की नौकरी से भी तगड़म। रोजगार का आलम यह कि जिस सरकार ने हर बरस 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, वही सरकार वही सत्ता सबसे कम रोजगार दे पा रही। 20 करोड़ आपने कहा था नई नौकरियां बनेंगी, ऐसा कोई आसार नजर नहीं आ रहा। देखिए, हमने नौकरी शब्द प्रयोग नहीं किया। किसानों की लाचारी, किसान को आत्महत्या इससे करनी पड़ रही है कि सरकार की नीतियां ही उसके लिए जहर बन गई है। आपके राजकाज में हर रोज देश के 35 किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। न फसल के दाम हैं, न सरकारी खरीद। बातों की तिकड़म नहीं, न्याय और अधिकार चाहिए।
ये सभी पीएमओ की तरफ गए और प्रधानमंत्री से मुलाकात न होने के बाद इन्होंने ये निर्वस्त्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। फसल बीमा योजना, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं मेरे भाइयों। सच कहा, अकेले खरीफ 2016 में ही प्राइवेट बीमा कंपनियों को 10,000 करोड़ का मुनाफा दे डाला। प्रधानमंत्री का तो खाली नाम ही नाम है, पर फायदा ये जितनी भी प्राइवेट कंपनी है तो होने वाला है। किसानों से 2% लिया जाता है, बाकी 8% केंद्र और राज्य सरकार भरती है, लेकिन जाता तो हमारा ही धन है। ये सरकारें मिलकर के बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाती है, क्योंकि निजी बीमा क्षेत्र में बीमा कंपनियां बीमा करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, हम सरकार में आएंगे तो किसान को जो लागत लगती है खेती करने में, उसका जो इनपुट कॉस्ट है, जितना भी प्रकार का उसका खर्चा होता है, उस खर्चे का हिसाब लगाया जाएगा, उसके ऊपर 50% मुनाफा जोड़ दिया जाएगा और जो बनेगा वो सपोर्ट प्राइस होगी। प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी ने किसानों को 50% समर्थन मूल्य बढ़ाने का जिक्र कर दिया, वह अभी पूरा नहीं हुआ। गुलाबी क्रांति, जो पशु काटे जाते हैं उनका जो मटन होता है उसका रंग गुलाबी होता है, और पिंक रिवॉल्यूशन का उनका मतलब है हिंदुस्तान सबसे ज्यादा मटन एक्सपोर्ट करे। यह है देश के वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट। इस वेबसाइट पर भैंस के मीट के निर्यात का आंकड़ा देखिए। जिन नरेंद्र मोदी ने चुनाव में पिंक रेवोल्यूशन यानी भैंस के मीट के निर्यात का मुद्दा उछाला था, उनके कार्यकाल में भैंस के मीट के निर्यात का कारोबार खूब फला फूला है। मेक इन इंडिया, विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। खुद प्रधानमंत्री अपने हाथों से मेड इन चाइना वाला माल बांटने वाले, अपने संसदीय क्षेत्र में शारीरिक तौर पर अक्षम लोगों को ट्राईसाइकिल, हियरिंग मशीन और व्हील चेयर बांटेंगे, और इस आयोजन के लिए चाइना से ट्राईसाइकिल मंगाए गए। इससे ज्यादा हद क्या हो सकती है कि मेक इन इंडिया वाले मेड इन चाइना का माल बांटेंगे। स्किल इंडिया, देश को विकास के लिए और आगे बढ़ाना है तो स्किल डेवलपमेंट ये हमारा मिशन है। कांग्रेस का काम अपना नाम। 3 सालों से यूपीए की परियोजनाएं, मंगलयान से लेकर पावर ग्रिड, गैस पाइपलाइन, माता वैष्णो देवी रेल परियोजना और एशिया की सबसे बड़ी सुरंग का फीता तो काट रहे हैं मोदी साहब, और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया का ज्ञान बांट रहे हैं। चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, भले भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। देखिए ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। पैकेज चाहे बिहार का हो या जम्मू कश्मीर का, मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज देगी। जम्मू कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज देने का घोषित किया। वोट बटोरने वाले इस तिकड़मी पैकेज की सच्चाई क्या है, आइए बताते हैं। आज तक एक फूटी कौड़ी नहीं दी, न बिहार को
और ना ही जम्मू कश्मीर को। ये खुलासा हुआ है आरटीआई से। ओलंपिक में मेडल। इतना बड़ा देश गोल्ड मेडल नहीं मिला, इतना बड़ा देश मेडल नहीं मिला। अरे सिर्फ सेना के जवानों को एक काम दिया जाए कि जो न्यूली रिक्रूटेड सेना के जवान हैं उसमें से मैपिंग किया जाए, स्पोर्ट्स में रुचि निभाने हैं उनको एक अलग जगह पर रखा जाए और उनको ही ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दिया जाए। मैं बताता हूं मित्रों, 5-7-10 तो मेडल ये हमारे सेना के जवान लगकर गा सकते। सत्ता से पहले तो ओलंपिक की तैयारियों को लेकर बड़बोली बातें, पर सत्ता में आते ही झूठे पड़ गए सारे वादे। रियो ओलंपिक का आगाज 5 अगस्त को हुआ था लेकिन 11 तारीख तक भारत की झोली मेडल से महरूम थी। नमामि गंगे। माँ गंगा जो चीख चीख कह रही है, कोई तो मेरा बेटा है जो मुझे इन गंदगी से बाहर निकाले। कहते तो थे कि 20,000 करोड़ के पैकेज से गंगा मैया साफ होगी, पर हुआ कुछ नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि इस रफ्तार से 100 साल में भी गंगा माई की सफाई नहीं हो पाएगी। हाँ, सौगंध की भी झूठी तिगड़म। एनजीटी देखती आ रही है कि लगातार कई 1,000 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी गंगा की सफाई नहीं हो पाई है, लिहाजा अपने आदेश से एनजीटी ने साफ कर दिया है कि अगर पैसा खर्च हो रहा है तो फिर गंगा की सफाई दिखनी भी चाहिए। सभी को घर। 2022 में हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी रहने के लिए उनको अपना घर मिल जाए, ये काम मैंने सर ले लिया। बहुत खूब भाजपा सरकार, गरीबों से वादा 2 करोड़ मकान का और 3 साल में बनाए बस 1 लाख। इस रफ्तार से तो 2 करोड़ बनाने में बस 600 साल लग जाएंगे। डिजिटल इंडिया। अब तक 76,000 गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लास्ट माइल कनेक्टिविटी के साथ पूरा हो गया। और ये है दूर संचार मंत्रालय की अपनी रिपोर्ट जो बताती है कि 3 साल में जोड़ने तो थे 2,20,000 गांव और जोड़ पाए बस 16,000 गांव। इस गति से तो काम 2060 में तो पूरा हो ही जाएगा। पेट्रोल डीजल के बेलगाम दाम। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। अब देखिए ना, वैसे कच्चे तेल के भाव 55% गिर गए, फिर भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर भाजपा सरकार 2,33,000 करोड़ जनता की जेब से लूट रही है। ये जो रेट बढ़ाए हैं बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो इससे तो आम आदमी का बजट बिगड़ जाएगा। भी दाल के भाव आसमान जरूर छू रहे हैं। आज 70 रुपए में मिलना मुश्किल हो गया है। मोदी जी, आपके राज में 70 रुपए नहीं 230 रुपए किलो बिकी है दाल। अब जरा ये बता दीजिए कि किन बड़े जमाखोरों की दाल गलाई है आपने? 150 रुपए दाल आपने कभी देखी नहीं जो आज देख रहे मोदी के राज में। गिरता रुपया। $1 कभी 65 रुपया कभी 64 रुपया, आप कल्पना कर सकते हैं क्या होता होगा देश का। तो आज डॉलर का रेट क्या है मोदी जी? रुपया 10 पैसे गिरकर निचले स्तर पर आ गया और डॉलर 64 रुपए 26 पैसे का हो गया। पहले तो भाजपा ने विजय माल्या को सांसद बनवाया। मोदी सरकार के दौर में 9,000 करोड़ की चपत देश को लगाकर माल्या देश छोड़ देते हैं और कोई कानून कोई एजेंसी उन्हें रोक नहीं पाती। लोकपाल की नियुक्ति। इस कानून आने के बाद निर्णय की प्रक्रिया सुधरेगी, लोग डरेंगे गलत कारणों से निर्णय करने के बाद। 3 साल हो गए भाजपा सरकार को, अब तक लोकपाल का कुछ पता नहीं। नोटबंदी के घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल की नियुक्ति के मामले पर केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई।
पूछा कि 2014 से अब तक लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं हो सकी है। मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। ये आंकड़े सरकार के ही हैं, मोदी सरकार के, और आंकड़े कह रहे हैं कि 8 साल के भीतर मनरेगा कर्मियों के बीच गरीबी तकरीबन 20% घटी है, यानी गरीबों मजदूरों के लिए मनरेगा योजना सफल साबित हुई। सरकारी आंकड़ों में तो कांग्रेस की मनरेगा का गुणगान गाते हैं, पर भाषणों में गरीब की रोजी का मजाक उड़ाते हैं। दलितों का दमन, अरे आपको कोई तकलीफ है तो करिए। जब वोट बटोरने हों तो दलितों का दर्द याद आता है, और काम निकल गया तो दलितों को ही दर्द दिया जाता है। बीएमडब्ल्यू कार ने एक दलित को कुचल दिया। सर मुझे क्षमा करना, वो बीएमडब्ल्यू वाले कार को मालूम नहीं था कि वो दलित है जी, लेकिन हम आग लगा देते जी। सुना आपने, देश के पीएम नरेंद्र मोदी को दलित अत्याचार की खबर पर हंसी आती है। टीचर्स यानी शिक्षक, पूरे विश्व को मिलियंस ऑफ मिलियन टीचर्स की आवश्यकता है। हिंदुस्तान के पास नौजवानों की फौज है, क्यों ना हम टीचर एक्सपोर्ट करें। टीचर एक्सपोर्ट करने वाले महाशय, अपनी सरकार की असलियत तो जान ही लीजिए। सबसे बेहतरीन आईआईटी, आईआईएम और केंद्रीय यूनिवर्सिटीज तक में 12,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। 8 तारीख को रात को 8 बजे 500,000 की नोट। आतंकवादियों को जहां से ताकत मिलती थी उन रास्तों को रोकने में सफल हुए। 2,000 रुपए का ये फटा हुआ नोट किसी गरीब की जेब से नहीं निकला है, ना ही किसी बैंक के बाहर भीड़ की कश्मकश में फटा है, बल्कि ये नोट बरामद हुआ है बांदीपुरा में मारे गए खूंखार आतंकी के पास से। सच तो ये है कि न आतंकवाद रुका न नक्सलवाद। 7 बड़े आतंकी हमले हुए और 2 बड़े नक्सली, 42 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। न ये बताया कितना काला धन पकड़ा और न कितने फर्जी नोट। जनता सच्चाई चाहती है, तिकड़म नहीं। तीन साल बेकार लीपा पोती सरकार।